चंकी पांडे की पहली फिल्म 1987 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था आ गई आग, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था पाप की दुनिया, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म भी 1988 में ही आई थी, फिल्म का नाम था गुनाहों का फैसला, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1988 में ही आई थी, फिल्म का नाम था खतरों के खिलाड़ी, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 1988 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था तेजाब, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म भी 1988 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था अग्नि, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था उस्ताद, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म भी 1989 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था पांच पापी, इस फिल्म की प्रोडक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगली फिल्म भी 1989 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था मिट्टी और सोना, इस फिल्म के प्रोडक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगली फिल्म भी 1989 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था कसम वर्दी की, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1989 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था घर का चिराग, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म भी 1989 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था ना इंसाफी, इस फिल्म की प्रोडक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगली फिल्म भी 1989 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था गोला बारूद, इस फिल्म की प्रोडक्ट की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगली फिल्म भी 1989 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था जख्म, इस फिल्म की प्रोडक्ट की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगली फिल्म 1990 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था जहरीले, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1990 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था नाकाबंदी, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1990 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था आतिशबाज, इस फिल्म की वर्डिक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगली फिल्म भी 1990 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था आज के शहनशाह, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म भी 1990 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था तड़प, बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगली फिल्म भी 1991 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था फर्स्ट लव लेटर, इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगली फिल्म भी 1991 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था कोहराम, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म भी 1991 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था दो मतवाले, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म भी 1991 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था रुपये 10 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म भी 1991 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था खिलाफ, बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगली फिल्म भी 1991 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था जीवनदाता, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म भी 1992 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था पर्दा है पर्दा, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 1992 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था सोने की लंका, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म भी 1992 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था नसीब वाला, बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगली फिल्म 1992 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था कसक, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था विश्वात्मा, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अबव एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1992 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था खुलेआम, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1992 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था अपराधी, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था आंखें, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म भी 1993 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था लुटेरे, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म भी 1993 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था पुलिस वाला, बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगली फिल्म भी 1993 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था आखिरी चेतावनी, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगली फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था गोपाला, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 1994 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था इंसानियत, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था तीसरा कौन, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था कौन रोकेगा मुझे, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 1997 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था भूत बंगला, बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगली फिल्म 1997 में ही रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था स्वामी केनो आशामी, बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगली फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था मायो मारो मनुष्य, बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगली फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था तिरछी टोपी वाले, बॉक्स ऑफिस पर जय फिल्म एवरेज रही थी।
अगली फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जय है मुंबई मेरी जान। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2000 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था ज्वालामुखी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था कसम। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था क्यामत। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी। अगली फिल्म भी 2003 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था मुंबई से आया मेरा दोस्त। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2005 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था ऐलान। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2005 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था डी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2005 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था ससुक। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था अपना सपना मनी मनी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट थी। अगली फिल्म 2006 में ही रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था दरवाज़ा बंद रखो। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2006 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था डॉन। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 2006 में ही रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था आई सी यू। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2007 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था फूल एंड फाइनल। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2008 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था हेलो डार्लिंग। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2009 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था एक द पावर ऑफ वन। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2009 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था पेइंग गेस्ट। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2009 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था संकट सिटी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2009 में ही रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था डैडी कूल। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2009 में ही रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था शॉर्टकट। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2009 में ही रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था दे दनादन। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 2010 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था क्लिक। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2010 में ही रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था हाउसफुल। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 2011 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था रेडी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 2011 में ही रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था रास्कल्स। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था हाउसफुल 2। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 2012 में ही रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था क्या सुपर कूल है हम। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था हम है राही कार के। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2013 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था इश्क इन पेरिस। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2013 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था बुलेट राजा। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2013 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था हिम्मत वाला। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 2014 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था गैंग ऑफ गॉड्स। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2014 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था हम शक्ल्स। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 2016 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था हाउसफुल 3। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। अगली फिल्म 2016 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था बैडमैन। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। अगली फिल्म 2017 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था बेगम जान। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज थी। अगली फिल्म 2019 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था प्रस्थानम। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर रही थी। अगली फिल्म 2019 में ही रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था हाउसफुल 4। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। अगली फिल्म 2020 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था जवानी दीवानी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही थी।